नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सभी ग्रहों के साथ वक्री होने की, मार्गी होने की घटनाएं होती रहती है, लेकिन सूर्य देव ऐसे ग्रह हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं, जो कि हमारे मान को, हमारे सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हर कोई चाहता है, और मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की ही होड़ यहाँ पर लगी रहती है। चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे आप अच्छे अंक लाने की बात करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी की बात करें, चाहे आप अपनी नौकरी में प्रमोशंस की बात करें, चाहे आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की बात करें, और ऑल धन के साथ साथ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और तब एक चिंता का विषय हो जाता है जब ये ही मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के स्वामी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक सूर्यदेव नीच राशि कहीं हो जाएं। जी हां, सूर्यदेव नीच राशि होने वाले हैं इस माह 17 अक्टूबर 2020 को। सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि है। तुला राशि में 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, करीब करीब एक माह तक सूर्यदेव रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव का नीच राशि जाना, सूर्यदेव का तुला राशि में प्रवेश करना आप सभी के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत हैं, और क्या इसके द्वारा कहीं खुशखबरी या शुभ संकेत भी हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहां पर आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। दोस्तों, मेरे जो वीडियोस होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना यदि सार्वजनिक तौर पर की जाए तो चंद्र कुंडली से की जाए। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करेंगे, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा आपका राशिफल, आपका भविष्यफल, सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन की घटना का आपके ऊपर असर। मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। वाद विवाद की स्थितियां मुझे यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। खास तौर पर मैं तब ये बात कर रहा हूं जब आप प्रेम प्रसंग में हैं, लव अफेयर में कहीं है, या फिर कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर का धोखा आपको यहां पर मिले, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। पति पत्नी विवाद भी यहां पर संभव है। तनाव की स्थिति निर्मित होगी। देखिए, जब वाद विवाद की स्थिति होती है, जब घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति होती है तो तनाव आ ही जाता है। मेरा आप सभी से कहना यह बनता है कि जहां पर हो सके वहां पर वाद विवाद को टालना चाहिए। देखिए, हर जगह वाद विवाद को टाला नहीं जा सकता। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां वाद विवाद बहुत जरूरी है। भाई, कहीं पर गलत हो रहा है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, चाहे हमारे साथ चाहे किसी और के साथ, वो देखना भी नहीं चाहिए, सहना भी नहीं चाहिए। और जब आप सहेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो वाद विवाद तो होगा ना, अलगाव तो होगा ना। तो अब वो जरूरी भी है, लेकिन ऐसे जगह जहां पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए, जैसे आपका जो भला चाहने वाले, जैसे आपके माता, आपके पिता, या आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो आपका भला यदि चाह रहे हैं, भला चाह करके कुछ कह रहे हैं, हो सकता है कहने का तरीका कहीं गलत हो, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं और बदले में आप जो है वाद विवाद कर रहे हैं, या उनकी तरफ से भी कुछ वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है, तो ऐसी जगह पर थोड़ा सा हार मान लेने में ही हमारी जीत है। तो आप सोचिए, समझिए किस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जल्दी से गुस्सा आ जाना जैसी स्थितियां इस बीच में निर्मित हो सकती है, तनाव को कम करने का प्रयास करें मेडिटेशन के द्वारा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो भाई, स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, ट्रांसफर के योग बनते हुए नजर आते हैं। चाहे आप पढ़ाई करते हो सकता है आप कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाना चाहते हो, आपका ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए इन द सेंस आप खुद ही अपना स्थानांतरण कर लें। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको स्थानांतरित कर दे, आपका ट्रांसफर कर दे, या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाकर के जॉब करें, ऐसे योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्विच, जॉब स्विच करने के योग हैं। आपके शत्रु या हिडन एनिमीज आपको परेशान कर सकते हैं, खास तौर पर पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है ना, वो लोग वहां पर जो नौकरी करते हैं वो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, जिससे बच के रहने की जरूरत है। मेहनत इस बीच में आपको ज्यादा करना पड़ सकती है, मेहनत अधिक लग सकती है। हो सकता है आपको ये लगे कि यार उसके बदले में मुझे मिल कम रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं, आने वाला वक्त आपको अच्छे फल दे देगा।
वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी वही बात मैं कहना चाहूंगा, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, कार्य की अधिकता आपको जो है वो ज्यादा लगेगी, अपने पेट का अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जरा ध्यान रखने का प्रयास करें, कुछ उल्टा सीधा न खाएं और सीमित आहार लें लेकिन सात्विक आहार लें, क्योंकि आपका पेट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ इस बीच में हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा समय बहुत अच्छा है, केवल अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई एग्जाम देने वाले पॉजिटिव है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे तो भाई धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, आर्थिक स्थिति मुझे यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आती है, आप जहां पर भी काम करते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको आपका इंक्रीमेंट बढ़ा सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, आप यदि बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपका बिजनेस भी और अच्छी तरह से आगे बढ़े। केवल एक बात यहाँ पर आपके लिए भी कहूंगा, स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। देखिए कहीं इंक्रीमेंट बढ़ेगा या बिजनेस में आपकी धन वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप यदि सफल होंगे तो मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे आप, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ हुआ तो वो मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं दबा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको सफलता यहाँ पर मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे तो भाई कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी, मेहनत आपको ज्यादा लगेगी, आपको ये लग सकता है कि यार मैं कर ज्यादा रहा हूं लेकिन बदले में कम मिलेगा, बदले में कम मिलेगा ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, आप ज्यादा देंगे मैं मानता हूं इस बात को, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी इस बात को भी मैं मानता हूं, कार्य की अधिकता की वजह से आप परेशान होंगे मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन आपकी ये बात गलत है कि यदि कहीं आप सोच रहे हैं कि मिलेगा कम, क्यों, क्योंकि मिलेगा भी आपको उतना ही, तो मेहनत ज्यादा करिए, कार्य की अधिकता ज्यादा है कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके बदले में आपको अंत में मिल भी जाएगा उतना ही जितना आपने दिया, तो थोड़ा सा जो आपकी जर्नी है वो आपको कठिन लग सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जिसे हम कहते हैं, एंड ऑफ द टाइम जिसे हम कहते हैं, एंड ऑफ द जर्नी हम जिसे कहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको आपको रिटर्न जो है वो पूर्ण दिलवाने वाला है, बहुत अच्छा आपके लिए समय, कोई चिंता की बात नहीं है, कार्य की अधिकता है कोई बात नहीं, कर लीजिए अधिक कार्य, मेहनत ज्यादा करिए सफल बनी, केवल इतनी सी बात रहेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे तो खर्च के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लॉस के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें, पैसा किसी को उधार न दें, न किसी से पैसा उधार लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस बीच में बिल्कुल भी ना करें आप, आपकी वाणी की उग्रता बढ़ सकती है, वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है, जब वाणी की उग्रता बढ़ेगी तो वाद विवाद बढ़ना तो बिल्कुल संभव है, लाजमी है, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर इस बीच में, अपने अपनी वाणी पर संयम बरतें और आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा संभाल कर रखें, खर्च से थोड़ा सा बचकर रहें। तुला राशि, भाई तुला राशि में ही सूर्यदेव जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, अब तुला राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि है, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर के सूर्यदेव आ रहे हैं, धन में वृद्धि लेकर के सूर्यदेव आ रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आपको रह सकता है या थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्थितियां यदि हम देखें तो मुझे धन में मुझे प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आती है, और सोचिए आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी, आप यदि स्टूडेंट हैं अच्छे अंक आएंगे तो ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आप यदि नौकरी करते हैं आपने अच्छा परफॉर्म किया अपने प्रोजेक्ट में तभी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आप बिजनेस करते हैं बिजनेस में अच्छा परफॉर्म आपने किया बिजनेस आपका अच्छा बढ़ने लगा कॉम्पिटिटर्स को आप जीतने लगे तभी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि है, तो आप ये वक्त तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, केवल थोड़ा बहुत चिंताएं थोड़ा बहुत आपका शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, उससे बच के रहने की जरूरत है, अदरवाइज समय मुझे अच्छा दिखता है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करेंगे, भाई नौकरी के योग मुझे बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, लंबे वक्त से कहीं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे नहीं नौकरी के योग बन रहे थे यहां पर बनेंगे, स्विच करना चाहते हैं जॉब नई जॉब लगना चाहते हैं ऑलरेडी जॉब करते हैं वैसे भी योग मुझे दिखते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्वास्थ्य का आपको भी यहां पर ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, लगभग लगभग वही तुला राशि के जातकों जैसी बात हो गई कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर जरूरत है, अदरवाइज सारी स्थितियां जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी है, उन्नति कारक है सफलता कारक है।
धनु राशि की बात करेंगे, धनु राशि के लिए बहुत शानदार वक्त है, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला वक्त है। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी कार्य को करने की आपने ठान के रखी है, जिस भी कार्य को करने की आपने सोच के रखी है, उन सारे कार्यों में मुझे आपकी उन्नति, मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आ रही है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इवन यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप गुजर रहे थे तो स्वास्थ्य भी मुझे यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल सभी कार्यों में वृद्धि, सभी कार्यों में जो है वो आपकी सफलता उन्नति देखने को मुझे मिलती है, उत्साह में वृद्धि मुझे देखने को मिलती है, खुशी हर्ष में वृद्धि मुझे देखने को मिलती है। वक्त बहुत अच्छा आपके लिए। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करेंगे, भाई वाणी में उग्रता यहाँ पर आ सकती है, अपनी वाणी की उग्रता का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद और फिर अलगाव की स्थितियां भी बन सकती है, तो वाणी की उग्रता का जरूर ध्यान रखें। चिंता तनाव की स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोले भी आप, नहीं तो वाद विवाद की स्थितियां भी हो जाएगी, वाद विवाद की वजह से अलगाव भी हो सकता है या फिर मतभेद और मनभेद भी हो सकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, आर्थिक स्थितियां आपकी मुझे मजबूत होती हुई नजर आती है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। मकर राशि बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, पति पत्नी विवाद, पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। यदि कहीं प्रेम प्रसंग में है आप तो प्रेम में धोखा मिल सकता है या फिर वहां पर भी वाद विवाद मतभेद मनभेद जैसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आ रही है। क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा हो जाना जैसी स्थितियां भी ये समय आपको देगा, तो थोड़ा सा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि वाद विवाद हुआ, धोखा मिला, क्रोध हुआ, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाली सब चीजें हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य का अपना ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करते हैं, तो भाई मीन राशि के लिए यहाँ पर चिंता तनाव की स्थितियाँ तो मुझे बनती हुई नजर आ रही है, कार्य की अधिकता तो बनती हुई नजर आ रही है, मेहनत तो ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंत में मुझे यहाँ पर सफलता भी दिखती है। तो ड्यूरिंग जर्नी मतलब आप जब काम कर रहे हैं तब आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हों, तब आपको जो है परेशानी हो, लेकिन एंड ऑफ द जर्नी मतलब आखिर में आपको जो है वो आपको सफलता आपकी मिल जाए, उन्नति आपकी मिल जाए, जो आप सोच रहे हैं वो चीज आपकी मिल जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो अंत भला तो सब भला, ये कहते हैं ना, वही आपके साथ यहाँ पर होगा। तो चिंता तनाव से कार्य की अधिकता से डरिए मत, सफलताएं हैं। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के लिए, आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा कि आपके लिए ये सूर्यदेव का नीच राशि होना, सूर्यदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, या फिर कहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा, नमस्कार।